मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश नियम पुस्तिका, संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर के चयन के लिए कम्युनिटी बेस्ड द्वारा विभिन्न पदों पर पोस्ट निकाली। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस पद पर प्योर क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी वर्क टाइम रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी और आवेदन ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में, जहाँ पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और आपको एक और बात बता दूं, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको जॉब नोटिफिकेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेशन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर के पद पर MP ऑनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संविदा रिहेबिलिटेशन 334 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए वैध होगा, जिसमें आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। पद का नाम देख लेते हैं, संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर का है। टोटल 134 पद हैं, ओपन 25 हैं महिला के लिए, 12 हैं ओपन, 18 हैं महिला के लिए, 9 हैं महिला के लिए, 9 टोटल महिलाओं के लिए पद है ये, ठीक है। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा टोटल महिलाओं के लिए पद है। रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों है, आरक्षित पद की संख्या 6 है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं निःशक्तजनों के लिए संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर रिक्तियों में से 8 पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित यहाँ पर माने गए हैं। आवेदन ऑनलाइन भरने की प्रारंभ तिथि 23/6/2023 का आवेदन प्रारंभ हो चुका है। आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि है 7/7/2023 का, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18/7/2023 तक, इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अनुसूची लगाना होगा 10वीं और 12वीं की, और यहाँ पर आपको इसमें से किसी एक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पर आपको टोटल 4 से 5 सर्टिफिकेट दिए, इसमें से आपको किसी एक सर्टिफिकेट को लगाना जरूरी है। संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए आपको पद 10वीं 12वीं और प्रोसेसिंग के लिए क्वालिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए। 1.5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर एंड रजिस्टर्ड एंड रिहेबिलिटेशन पर्सनल प्रोफेशनल अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 का आपके पास पंजीयन होना चाहिए, या फिर आपके पास ये रिहेबिलिटेशन काउंट ऑफ 1992 का, या इसमें से किसी एक का पंजीयन होना चाहिए, 10वीं 12वीं और रिहेबिलिटेशन का पंजीयन आपके पास होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन BPT एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन स्टेट पारल मेडिकल काउंसिल का वैध जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी एक पंजीयन के साथ साथ 10वीं 12वीं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं आयु की, तो आयु सीमा आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 43 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आपकी 1/1/2023 के अनुसार की जाएगी। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपको 15,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया, तो संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर के चयन के लिए MP ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा MCQ आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर MP ऑनलाइन की परीक्षा लिमिटेड के माध्यम से CBT आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना में उम्मीदवारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान परीक्षा के लिए गए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए केंद्र की प्राथमिकता, कुल मिलाकर आपके ऑनलाइन पेपर होंगे
एडमिट कार्ड को एमएमएस एवं एनएमएस मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप परीक्षा तिथि के साथ पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एमएमएस एनएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी। ऑनलाइन लिखित टेस्ट में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे 40% फॉर और 30% फॉर ईडब्ल्यूएस, 35% फॉर ओबीसी, 30% ऑफ एसटी एसटी एससी के। मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी, इसमें आप जरूर आवेदन करिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर वो समस्या का आप निराकरण करवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।